हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुनीश वर्धन। सो शाम के बज रहे हैं 4, नाइट शिफ्ट थी रात को। दैन मैं 2 बजे उठा, दैन फ्रेश होके मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट मैंने उठते ही कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो अभी बज रहे हैं 4 और मैं अभी फ्रेश होके आया हूँ बात लेके। एंड मेरे फ़ोन में दोबारा दिक्कत आ गई है कि ब्लॉगिंग की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सिंपल कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ, मैं कोई ऐप यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी वॉइस ना बड़ी कम आ रही है। ये मेरा तीसरा शूट है तो शायद इसमें भी आवाज़ कम या ज़्यादा हो। तो मैं अभी दोबारा जा रहा हूँ सर्विस सेंटर फ़ोन देने। सो मैं सोच रहा हूँ कि ये फ़ोन मैं अब सेल कर दूँगा, मैंने ये फ़ोन नहीं रखना है। बिकॉज़ जब फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करते हैं तो बंदे को थोड़ा क्रेज़ होता है ना, थोड़ी वॉइस उसकी होती है कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। फिर दूसरे तीसरे रीटेक में ना वो चीज़ नहीं रह पाती है। तो ये मेरा तीसरा रीटेक है एंड देखते हैं आवाज़ आ रही नहीं आ रही प्रॉपर। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट करके नहा के देन अभी हम जाएंगे वॉक पे। सो मौसम का हाल ऐसा है कि आज बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है। तो ये हमारे फ्लैट हैं, गाड़ी आ रही है, एक धूप भी निकली है, थोड़े बादल भी आ रहे हैं, बट तूफान बहुत चल रहा है। और पूरे हमारा जो फ्लैट है आगे से पूरा गंदा हो चुका है, सारे फ्लावर टूट टूट के गिर गए हैं एंड जो भी डस्ट है एंड कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा आ गया है हमारी फ्लैट के आगे। सो मिलते हैं आपको वॉक के टाइम फिर। सो देखो कितना गंद पड़ गया है हमारे फ्लैट के आगे, पूरा कूड़ा कहीं कहीं से उठ के आ गया है। अभी इस साइड मौसम पूरा साफ है और दुबई वाली साइड थोड़े बादल हैं। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है दुबई में। फ्रेंड का कॉल आया था, कहता दुबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ओमान में भी रात को ना ठंड हो गई हुई थी थोड़ी। ये हमारे ब्यूटीफुल से फ्लावर। सो शाम के बज रहे हैं 6:15। बहुत ज़्यादा धूप थी और तूफान चल रहा था, मैंने सोचा थोड़ा मैं लेट जाता हूँ, बट जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो एकदम से ही अंधेरा हो गया, आप देख सकते हो। तो मैं अभी वॉक पे जा रहा हूँ और रात के बनाना है डिनर। तो मैं आपको थोड़ा फुटबॉल ग्राउंड का भी बताता हूँ क्योंकि वो पानी लगा देते हैं, तो मैं फिर साइड साइड में ही सैर करूँगा उसके फुटबॉल के ग्राउंड पर। सो मैं आया हूँ ग्राउंड, बट आजकल ये लाइट ऑन नहीं करते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, तो आपको ग्राउंड ही नहीं दिखेगा। मैं थोड़ी रनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको मिलता हूँ किचन में क्योंकि जाते ही फिर खाना बनाना है मैंने। मैं आज बना रहा हूँ खाने में पीली दाल एंड साथ में चपाती। आटा मैंने गूंद के रख लिया है एंड यहाँ मेरे चॉपर में कट रहे हैं प्याज और मेरा तड़का हो रहा है रेडी और साथ में हम लगाएंगे चावल। रात के बज रहे हैं 10 और मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, तो मैं लेके आया हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। ओमान में ना ज़्यादा मीठी नहीं होती आइसक्रीम, आप जो मर्जी आइसक्रीम ले लो उसमें मीठा ही नहीं होता, तो इतनी फीकी है ना, जस्ट टाइम पास ही हो रहा है। सो रात के बज रहे हैं 9, मैंने जस्ट अभी खाना बनाया है, तो आज हमारा खाना भी लेट हो रहा है क्योंकि रूममेट थोड़े सोए हुए हैं। कल छुट्टी है हमारी इसलिए वो पूरी रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ उठने का। एंड मैंने आज लैपटॉप का भी काम सारा फिनिश कर लिया, संडे होता है तो क्लोजिंग होती है। सो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ आपको कि कैसी बनी है दाल और क्या क्या है हमारे डिनर में आज मेन्यू। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मुनीश वर्धन। नेक्स्ट डे, सो आज है मंडे और सुबह के बज रहे हैं 8। मैं आज बहुत जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लगी हुई थी एंड थोड़ा काम भी था साफ़ सफाई का, तो साफ सफाई का काम हो गया स्टार्ट। सबसे पहले कपड़े वॉश, मैंने मशीन लगा दी है अभी कपड़े धोने के लिए, और मैंने फेस पे उठते ही आज एलोवेरा जेल लगा दी है। एलोवेरा जेल लगाने से आपका फेस वाइट होता है और साथ में जो भी गंदगी होती है वो सारी हट जाती है। तो महंगे प्रोडक्ट से खरीदने के अलावा आप एलोवेरा जेल लगाएं, इससे आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा फेस पे। तो अपने बनाने जा रहा हूँ चपातियाँ, तब तक मेरे कपड़े भी हो जाएंगे। यही है आज के दिन की शुरुआत साफ सफाई से।
सो ब्रेकफास्ट मैंने चपाती नहीं बनाई, मेरा दिल कर रहा था ब्रेड ऑमलेट खाऊं, तो मैं ये मॉल से लेके आया हूँ, नोर कंपनी का चिली मायो। ये फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। सो यहाँ पे मेरी ब्रेड की स्टफिंग लग चुकी है। मैंने डाला है टोमेटो सॉस एंड वन साइड नोर कंपनी की मेयोनी, एंड मेरा ऑमलेट बन रहा है। तो ये है मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। सो ये रेडी हो चुका है मेरा ब्रेड ऑमलेट। सो दोपहर के बज रहे हैं 2, तो अभी मैं बना रहा हूँ लंच। मेरी आंखें नहीं खुल रही, इतनी तेज धूप है बाहर। तो लंच में मैंने आज बनाया है आलू टमाटर एंड राइस और चपाती। तो यहाँ पे मेरे चावल बन रहे हैं और कुकर में बन रहे हैं आलू मटर टमाटर। सो लंच मैंने कर लिया, यमी लंच बना था। तो शाम के बज रहे हैं 3, तो मैंने अभी अपना आज बैग खोला है, पूरा लगेज खोला है। एयरपोर्ट से आने के बाद मैंने खोला नहीं, क्योंकि रूम से ही काम होता है, तो मैं कपड़े नहीं डालता नहीं हूँ। तो मैंने आज कपड़ों को हवा वगैरह लगाई है, धूप वगैरह लगवाई है कपड़ों को, और मैं अभी पाइलिंग करके उनको रख रहा हूँ। सो मैं कर रहा हूँ कपड़ों की पैकिंग और पाइलिंग। एंड मैंने एक फॉर्मल कपड़े लिए थे हमीरपुर विशाल मेगा मार्ट से, और ये मैंने गंगस से ली थी, भैया की शॉप है एक। तो आज कपड़ों को हवा लगवाई है, इनको बता दे कि भैया ओमान आए हो तुम लोग। तो ये सारा मेरा आज बिजी शेड्यूल रहा है। फिर मेरी आज की डेली रूटीन एंड आज का ब्लॉग, ये 2 दिन का मैंने इकट्ठा ब्लॉग बना दिया है, क्योंकि हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, तो वो सेम रूटीन आपको देखने को मिल रही है। तो जल्दी मिलते हैं आपको नई जगह जब हम घूमने जाएंगे। तो बने रहिए मुनीश वर्धन चैनल के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस।